हेलो दोस्तों, आज हम 1 मीटर डाया पाइप का 1500 रेडियस में 16 सेंटर लाइन के साथ 3 कार्ड में कैसे बैंड बनाया जाए, वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं 1 मीटर डाया का पाइप का ओडी कितना है। 1 मीटर डाया का पाइप का ओडी है 1 मीटर प्लस 10 प्लस 10, मतलब 1 मीटर 20। एक मीटर 20 है पाइप ओडी, ये हो गया पाइप ओडी। और इसके बाद हम जान लेते हैं सीएफ। सीएफ मतलब पाइप ओडी इंटू 3.141 इक्वल टू मेरा आएगा 1 मीटर 20 इंटू 3.141 इक्वल टू 3203.8। हम इसको 3 मीटर 204 मान के चलते हैं। ये हो गया मेरा पाइप का सीएफ। तो हमको 16 सेंटर लाइन में करना है। ये जो आप ड्रा करके रखे हैं, देखिए इसका एक सेंटर लाइन से दूसरा सेंटर लाइन का दूरी भी निकाल लेना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो सीएफ डिवाइडेड बाय आप जितना सेंटर लाइन में करते हैं चाहते हैं डिवाइडेड बाय सेंटर लाइन, मेरा है क्या सीएफ हुआ 3 मीटर 204 डिवाइडेड बाय 16, तो हो गया 200.25। ये हो गया मेरा ये जो सेंटर लाइन हम मार्किंग करें, एक सेंटर लाइन से दूसरा सेंटर लाइन का दूरी 200.25। अभी हमको क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर करेंगे तो काट डिग्री पहले निकालना है। हम 3 कार्ड में करेंगे तो काट डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, बैंड डिग्री डिवाइडेड बाय काट इंटू 2, मतलब मेरा बैंड डिग्री कितना है 90 है। इसके साथ कितना कार्ड में हम बना रहे हैं, 1 2 3 कार्ड में 3 इंटू 2, तो हो गया 15। ये हमारा एक कार्ड डिग्री है। अभी इससे कार्ड बैग निकालना है, तो कार्ड का निकालना है एक कार्ड डिग्री 10 इंटू कार्ड डिग्री पाइप ओडी इंटू पाइप ओडी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कार्ड बैक। तो आपका कार्ड डिग्री कितना निकला है 15, तो क्या होगा 10 15 इंटू पाइप ओडी डिवाइडेड बाय 2। 10 15 का वैल्यू क्या है 0.2679 इंटू पाइप ओडी, मतलब 1 मीटर 20 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेशन करने से मेरा आता है 273.3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 136.6। ये हो गया पहला कटबैक, मतलब 90 डिग्री कटबैक। ये जो 90 डिग्री आप दिख रहे हैं यहाँ का कटबैक, ये जो 90 डिग्री यहाँ का कटबैक, मतलब ये जो कटिंग होगा, ये जो काट आएगा वो 136 आएगा, 136.6। हमको और 3 कटबैक निकालना है। ये जो 90 डिग्री का निकल गया, इसके बाद 67.5 45 डिग्री का और 22.5 डिग्री का। तो क्या करना है हमको, साइन 67.5 का वैल्यू लेना है, इसके साथ कटबैक इक्वल टू सेकंड कटबैक या 67.5 डिग्री का कटबैक निकल जाएगा।
तो इसको 67.5 का वैल्यू है 0.9238 इंटू 136.6, ये जो मेरा कटबैक निकला है, तो इसको कैलकुलेशन करने से आता है 126.2 हो गया दूसरा कटबैक, मतलब 67.5 डिग्री का कटबैक। अभी 45 डिग्री का कटबैक निकालना है, इसके लिए क्या करना है, साइन 45 इंटू कटबैक, मतलब 0.707 इंटू 136.6 इक्वल टू 96.59। ये हो गया 45 डिग्री का कटबैक। ये जो 45 डिग्री मतलब ये जगह आएगा आपका 96.5। उसके बाद आता है साइन, ये इसका कटबैक, इसके लिए क्या करना है, साइन 22.5 इंटू कटबैक, मतलब 0.3826 इंटू 136.6 इक्वल टू 52.2 हो गया 2.5 डिग्री का कटबैक। मतलब ये जगह का, मतलब ये जो 52.2 आया है, ये बैठेगा ये जगह, ये जाएगा 52.2, यहाँ आएगा आपका 96.5, ये जगह आएगा आपका 126.2 और ये जगह ये 136.6। वैसे इसका ऑपोजिट इधर होता जाएगा, यहाँ आएगा 52.2, उसके बाद 96.5, उसके बाद 126.2, उसके बाद 136.6। ये तो हो गया आपका कितना कटबैक आएगा उसका बारे में। अभी रेडियस, रेडियस का हिसाब से कैसे करना है, इसके लिए क्या करना है, काट डिग्री, काट डिग्री इंटू रेडियस इसको लो शॉर्ट पीस। सो मतलब ये 60 डिग्री कितना है, 15, मतलब 10 15 लेना है, 10 15 इंटू आपका रेडियस, हम लोग का रेडियस कितना है 1500 इक्वल टू शॉर्ट पीस। 10 15 का वैल्यू क्या है, 0.2679 इंटू 1500 इक्वल टू 402 मान लेते हैं। ये हो गया आपका 402 ये पीस। अभी बीच वाला किस पीस क्या है, साइड पीस, इंटू 2 इक्वल टू मिडिल पीस, मिडिल पीस मतलब ये 402 हो गया तो मिडिल पीस होगा, 402 इंटू 2 मतलब 804। ये जो पीस होगा ये होगा 804, ये भी होगा 804 और इधर वाला हिस्सा फिर 402। ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर बैंड बनाएंगे तो 100% परफेक्ट है, सबसे साइंटिफिक फॉर्मूला यही है, इसमें थोड़ा भी इधर उधर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।